ओ माय गॉड, शुक्र है भगवान का, वो गोल हो गया 82nd मिनट पे. एंड दिस वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू वॉच. वी वर प्लेइंग गुड बट नेपाल आया ही नहीं था जीतने के लिए. दे केम फॉर अ ड्रॉ एंड द काउंटर अटैक्स, बिकॉज पूरा मैच डिफेंसिव प्ले में खेला है नेपाल, बिकॉज दे डिडंट इवन नीड टू विन एंड इट वाज अ मस्ट विन फॉर इंडिया. शुक्र है वो हो गया. बट क्या डिफेंड करा है नेपाल 82nd मिनट तक. 82nd मिनट के बाद जब वो फर्स्ट गोल हुआ, देन यू कुड सी दैट नेपाल वॉन्टेड टू इक्वलाइज इट, यू नो, टू लाइक मैक्सिमाइज द चांसेस टू गेट इन टू द फाइनल्स. बट वो 82nd मिनट के बाद व्हेन दे वर ट्राइंग टू इक्वलाइज, तब थोड़ा अटैकिंग प्ले दिखा उनका नेपाल का. आई वॉज स्क्योर्ड फॉर आर डिफेंस, उसी में लग गया मेरे को. अगर ये टेबल्स टर्नड होते एंड इंडिया हैड टू लाइक डिफेंड, अगर हम उतनी अच्छी पोजिशन में होते एंड इट वॉज नेपाल पूरा अटैक मोड पे, दैट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. बहुत स्केरी था वो, बिकॉज 8-9 मिनट्स के लिए नेपाल केम आउट ऑफ दैट डिफेंस एंड स्टार्टेड अटैकिंग, दैट वॉज स्केरी. हम लोग इतने लूज पासिस कर रहे थे इवन इन फर्स्ट हाफ, पता कहाँ पे, अपने हाफ में, अपने बॉक्स वाले एरिया में. नेपाल को अगर इतना चांस मिल जाता गोल होना था, एंड इट वॉज स्कैरी टू वॉच बिकॉज हमको गोल मिल ही नहीं रहा था. लुक एट द स्टैट्स, लुक एट देम, कितने शॉट्स ट्राई कर लो, पूरा पोजेशन अपना है, कॉर्नर्स अपने हैं, एवरीथिंग इज आर्स, पूरा बॉसिंग द पोजेशन. इट वॉज लाइक दैट, बट लूजिंग द पोजेशन इन मिडफील्ड, बट मेकिंग द रॉन्ग लूज पासिस. इतना नेपाल के डिफेंस को टेस्ट करा है आज, बस एक गोल कंसीड किया उन्होंने पूरे मैच में, एंड पूरा ऑफेंसिव प्ले था हमारा. आई थिंक नेपाल डिड अ वेरी गुड जॉब, सीरियसली दे डिजर्व दिस. बट आई एम जस्ट सो रिलीव्ड दैट वी गॉट दिस विन, वी नीडेड दिस विन. अभी अगला मैच हमारा मालदीव्स के साथ है. मालदीव्स इज ऑन टॉप ऑफ दिस ग्रुप, 6 पॉइंट्स है उनके. नेपाल का मैच है बांग्लादेश के साथ, बहुत थ्रोट कट कॉम्पिटिशन होने वाला है. मालदीव्स के साथ अगर हम जीत गए तो हम फाइनल्स में पहुंच सकते हैं, एंड देन मे बी वी कैन विन इट. द थिंग इज दैट क्यों एक्सपेक्टेशन है इंडिया का टू विन दिस चैंपियनशिप, बिकॉज वी हैव बॉस्ट दिस चैंपियनशिप जब से स्टार्ट हुआ है. मैक्सिमम विन्स, मैक्सिमम चैंपियनशिप्स जो जीते हैं वो इंडिया जीता है 7 टाइम्स. लास्ट जो मालदीव्स है वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं अभी के लिए. दिस इज द रिकॉर्ड, दैट इज वाई इंडिया के लिए ये जो सैफ चैंपियनशिप है वो ऐसा है कि वी आर सपोज टू, यू नो, प्ले बेटर, वी आर सपोज टू डू वेल विदाउट एनी सेकेंड थॉट. बिकॉज अगर हमारा फोकस है AFC एशियन कप, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अगर हम बेटर करें, अगर वहां पर फोकस है हमारा, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू एटलीस्ट नेल ये वाली कॉम्पिटिशन, बिकॉज यू कॉन्ट डू दैट अदरवाइज यार. गलत गंदे परफॉर्मेंसेज, लेथार्जिक परफॉर्मेंसेस के बाद नहीं कर पाएंगे आगे. इंडिया का आज दिख रहा था हंगर टू गेट अ विन पूरे मैच में. आई वोंट से दैट इट वाज अ वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, बट ऑब्वियसली वो जो एरर्स हम कमिट करते हैं, आई थिंक वी नीड टू सॉल्व दोज, रेक्टिफाई दोज, एंड नॉट बी इन द पोजिशन जहाँ पे पूरा प्रेशर इज पुट ऑन सुनील छेत्री सर. मतलब उनके गोल के बाद ना ऐसा इमोशनल सा लग रहा था मेरे को, बिकॉज इवन उनके फेस से लग रहा था दैट ही वॉज रिलीव्ड कि शुक्र है गोल हो गया. यू नो समटाइम्स यू जस्ट वॉन्ट कि ही इज आई थिंक 36-37 ईयर्स ओल्ड, एंड इतना प्रेशर ऑन दैट वन प्लेयर, वॉट इफ ही इज नॉट देयर फॉर अस टुमारो. इतने क्लियर कट चांसेस जो मिले थे वो उन्हीं को मिले थे. ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, विच इज वाई वी आर गेटिंग दोज चांसेज. एंड चलो ठीक है, मिस हो गए, बट लास्ट मिनट पर गोल हो गया. बट नाउ दिस चैंपियनशिप हैज गॉटन इवन मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज नेक्स्ट मैच लाइक आई सेड इज विद मालदीव्स, एंड वी हैव टू विन इट. बट चैलेंज है बिकॉज मालदीव्स का होम है, वहां पर मैचेस हो रहे हैं, तो मालदीव्स के पास ऑब्वियसली क्लियर कट एडवांटेज है, एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेल. सो दिस इंडिया का मैच विद मालदीव्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एनी अदर मैच. बट सिंस वी डोंट रियली मेक इट ईजी फॉर आर सेल्स, श्रीलंका के साथ जीतना बनता था नहीं जीते, बांग्लादेश के साथ जीतना बनता था नहीं जीते, बिकॉज बांग्लादेश का रेड कार्ड मिल गया था 54th मिनट पे, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है कि जब गोल्स चाहिए तब निकालो गोल्स. एंड इट्स अ गुड थिंग दैट वी वन द मैच, बट सीरियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू इम्प्रूव ऑन बिफोर वी कैन इवन थिंक ऑफ विनिंग AFC एशियन कप और वैसे बड़े वाले कॉम्पिटिशन इफ वी आर फोकसिंग ऑन दैट. बिकॉज सैफ चैंपियनशिप में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमारा रहा है ना, उसके हिसाब से तो लग रहा है भाई बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. इस टाइम पे ऐसे सिनेरियो पे हम 8th ये चैंपियनशिप जीत जाएं, तो जिस तरह सोशल मीडिया पे अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों का इन एवरीथिंग, हॉकी को भी लाइमलाइट मिला बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स, देन मे बी सैफ चैंपियनशिप के थ्रू इंडिया को वो लाइमलाइट मिल सकता है, इंडियन फुटबॉल को वो लाइमलाइट मिल सकता है, सो दैट वी कैन पुश आवर बॉयज, वी कैन हैव बेटर रिसोर्सेज,
and you know can compete in other bigger events that there are. Anyhow, that's it from me today. Please like, subscribe, share and hit the bell icon so you never miss a video from me. And do comment below, what did you think of this match and how was Team India's performance and also Nepal's performance.